नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नारा दिया पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। नतीजा पीडीए ने विपक्ष को संजीवनी दी और यूपी में बीजेपी के रथ को रोकने का काम किया। अब फिर से यूपी उपचुनाव में अखिलेश पीडीए का राग अलाप कर रहे हैं, लेकिन सपा के प्रत्याशियों की सूची सामने आने के बाद भाजपा ने सपा के पीडीए पर पलटवार कर दिया है और कहा है कि यह अखिलेश का परिवारवाद वाला पीडीए है, यानी कि ये पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक नहीं बल्कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। दरअसल भाजपा ने ये आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि 9 विधानसभा सीटों पर घोषित प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको सियासत उनकी विरासत में मिली है। बात केवल विधानसभा उपचुनाव की ही नहीं बल्कि अन्य चुनावों में भी देखा गया है कि भले ही सपा पीडीए का दम भरती हो, लेकिन इस पीडीए से अचानक पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता गायब हो जाते हैं और उसमें सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाले लोग चुनावी मैदान में आ जाते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा की ओर से घोषित प्रत्याशियों में से कोई भी पीडीए के पैमानों पर खरा नहीं उतरा था और इसको लेकर पल्लवी पटेल से लेकर सपा के कई नेताओं ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की घेराबंदी की थी और तो और कई सपा विधायकों ने बागी होकर क्रॉस वोटिंग कर दी थी। और अब उपचुनाव में घोषित प्रत्याशियों में अखिलेश यादव का परिवार प्रेम खुलकर सामने आ गया है। दरअसल करहल सीट से खुद अखिलेश के परिवार से आने वाले तेज प्रताप प्रत्याशी हैं। कटहरी सीट से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभवती वर्मा, मंझुआ से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद, मीरापुर विधानसभा सीट से पूर्व सांसद कादी राणा की पुत्र वधु जो है यानी कि सुम्बुल राणा, और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू की बहू डॉक्टर चारू केन को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या की जिस मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी उपचुनाव टला हुआ है, यहां पर भी सपा ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया हुआ है। यूपी विधानसभा उपचुनाव के शोरगुल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। खास तौर पर भाजपा ने समाजवादी पार्टी के पीडीए को निशाने पर लिया है। बीजेपी नेता लगातार सपा के घोषित प्रत्याशियों के नामों को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को घेर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सपा पीडीए के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, क्योंकि वो पीडीए के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि सपा पर परिवारवाद के आरोप लगे हों, बल्कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में परिवारवाद के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि समय समय पर अखिलेश यादव की ओर से परिवारवाद के मुद्दे पर बयान आते रहे हैं। एक बार तो अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया था कि जिनका परिवार ही ना हो वो परिवार का महत्व क्या जानेंगे। अब इस मुद्दे पर आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।